हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणाम। और मैं हूँ प्रीति। आज मैं एक्चुअली बहुत रात में बैठी हूँ ये वीडियो बनाने के लिए, ऑलमोस्ट 12 बजने वाली है। और ऑल ऑफ सडन मैं ये वीडियो बनाने के लिए क्यों बैठी हूँ, सबसे पहले बता तो दूँ कि कौन सा वीडियो है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स और मेकअप प्रोडक्ट्स जो कि मेरे फेवरेट है, ऑयली स्किन वालों के लिए अच्छे होंगे, और साथ ही साथ एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स भी मैं आपको साइड बाय साइड बताती जाऊंगी। एक्चुअली अभी कुछ दिनों पहले मैंने मेरे कम्युनिटी टैब में पूछा था कि आपको ऑयली स्किन के लिए वीडियो चाहिए कि ड्राई स्किन के लिए कि एंटी एजिंग के लिए, मतलब प्रोडक्ट्स कौन से कैटेगरी में चाहिए। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑयली स्किन के लिए आए, लेकिन कमेंट्स में बहुत सारे लोग एंटी एजिंग के प्रोडक्ट्स को लेकर के भी बहुत बहुत ज्यादा परेशान थे। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने इंस्टा पर मुझे मैसेज किया और बहुत लंबी उनकी क्वेरी थी रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स। तो मैंने सोचा कि अभी मैं बनाती हूँ ये प्रोडक्ट और ये मैं कल ही लाइव कर दूंगी। सो आज मैं आपको ऑयली स्किन प्लस एंटी एजिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बताऊंगी, फिर चाहे वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो और मेकअप प्रोडक्ट्स हो। और आज एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आज पर्पल पे सेल है मेकअप और स्किन केयर दोनों पे, तो इसलिए भी मैंने सोचा कि मुझे अभी आई थिंक ये बेस्ट टाइम है ये शेयर करने का, नहीं तो मैं दो तीन दिन बाद भी ये वीडियो बना के शेयर कर सकती थी। जैसे ही मुझे पता चला कि 22 तारीख को मेकअप और स्किन केयर पे अच्छी खासी सेल होने वाली है, सो आई थॉट ये टाइम बेस्ट होगा, भले ही लेट नाइट हो गई है बट वीडियो शूट करके जरूर शेयर करूंगी। सो मैं बिल्कुल नाइट टाइम रूटीन करके रेडी थी सोने के लिए, बट फिर ये सारे प्रोडक्ट्स जो मुझे सामने सामने दिखे वो मैंने निकाल लिए हैं और बाकी की मैं आपको पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी। और मैं सिर्फ वही प्रोडक्ट्स आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करूंगी, उन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगी जो मैंने ऑलरेडी यूज कर रखा है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी जो मैंने खुद ने ट्राई नहीं किया है, क्योंकि बीइंग अ यूट्यूबर मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करती हूँ और सारे प्रोडक्ट्स मैं कम्प्लीटली फिनिश नहीं करती हूँ, मैं किसी को दे देती हूँ या तो फिर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो कम्प्लीटली फिनिश होकर इधर उधर फेंक दिया रहते हैं। तो मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए नहीं है आपको, मैं आपको जस्ट साइड में इमेजेस इंसर्ट कर दूंगी कि मैं किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ। तो इतना सारा इंट्रो था, आप जल्दी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम स्किन केयर देख लेते हैं। स्किन केयर में सबसे पहले आता है क्लिंजर यानी फेस वॉश। तो फेस वॉश खरीदते टाइम एंटी एजिंग माइंड में नहीं रखना चाहिए, कोई भी फेस वॉश ऐसा नहीं होता जो कि आपको प्रॉपर एंटी एजिंग वाला इफेक्ट दे। नो डाउट लिखा हो सकता है फेस वॉश में कि ये एंटी एजिंग के लिए अच्छा होगा, बट आपको फेस वॉश खरीदते टाइम बस इस चीज का ध्यान रखना है कि वो आपके चेहरे से डर्ट पोल्यूशन को बहुत अच्छे से निकाल दे, क्योंकि अगर आपका चेहरा ही अच्छे से साफ नहीं हुआ है तो उसके ऊपर आप कितना भी महंगा 3000 का सीरम लगा ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गंदगी तो आपके पोर्स में घुसी हुई रहेगी। सो इसलिए एक अच्छा क्लिंजर लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अच्छे क्लिंजर में पैसे इन्वेस्ट करें और चेहरा हमेशा अच्छे से धोएं, इत्मीनान से धोएं, जल्दबाजी ना मचाएं, क्योंकि अगर चेहरे में थोड़ी भी गंदगी रह गई तो फिर कुछ भी लगा लें आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, और ये मेरी बेटी का टॉय। सो अगर हम फेस वॉश की बात करें तो सबसे पहले जो सबसे बेस्ट फेस वॉश मुझे लगता है जो कि पिंपल एक्ने से आपको 100 मील दूर रखेगा, वो है VLCC का तुलसी फेस वॉश जो होता है। एक बार आप उसे ट्राई करके देखिए, अगर आपको बहुत पिंपल्स होते रहते हैं, एक्ने होते रहते हैं, ब्रेकआउट्स होते रहते हैं, आप जैसे ही ये जो VLCC तुलसी फेस वॉश यूज करना स्टार्ट करेंगे आपके चेहरे से ये जो पिंपल विम्पल है ना ये ऐसे चले जाएंगे, कोई ब्रेकआउट नहीं होगा। सो फर्स्ट है VLCC, सेकेंड है बायोटिक का नीम फेस वॉश जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत ही अच्छा है। नीम फेस वॉशेस वैसे भी अच्छे होते हैं, जैसे कि हिमालय का भी अच्छा होता है। एंड जो थर्ड है वो है प्लम का फेस वॉश, लेकिन थोड़ा सा वो कॉस्टली होता है बट स्टिल फेस वॉश बहुत ही अच्छा होता है प्लम का, तो आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं। एंड एट लास्ट मैं आपको बोलूंगी कि आप गुड वाइब्स का टर्मरिक फेस वॉश ट्राई करके देखिए। ये जितने भी फेस वॉशेस मैंने आपको बताए हैं ये सारे फेस वॉशेस पहली चीज डर्ट को बहुत अच्छे से रिमूव करते हैं, एंड सेकेंड थिंग ऑयली स्किन के लिए बेस्ट होते हैं, ब्रेकआउट्स वगैरह ठीक करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ये थी बात फेस वॉश की। अब हम बात कर लेते हैं टोनर्स की। तो टोनर में मेरा जो अभी तक का सबसे फेवरेट है वो है बायोटिक का कुकुम्बर टोनर जो पोर टाइटनिंग टोनर है, क्योंकि पहली चीज वो बहुत ही अफोर्डेबल है, 100 की रेंज में आपको मिल जाएगा और आज तो डिस्काउंट है तो और अच्छा अच्छे रेट में मिल जाएगा। तो लिंक्स चेक करना बिल्कुल भी ना भूले, मैं जिस भी प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ सबके लिंक्स आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो बायोटिक का जो टोनर है वो बहुत अच्छा होता है, पोर्स टाइट करता है, ऑयल को कंट्रोल करता है और खास करके गर्मियों में तो
आपको टोनर यूज करना ही चाहिए ताकि जो पोर्स हैं आपके वो श्रिंक हो और तेल ज्यादा सिक्रीट ना हो आपके चेहरे से. फर्स्ट ये टोनर हो गया. सेकंड, गुड वाइब्स का बेसिल फेशियल मिस्ट, बहुत अच्छा है, मैंने खुद ने ट्राई किया है, अफोर्डेबल ये 100 के रेंज में मिल जाएगा. एंड थर्ड टोनर जो है वो है ये प्लम का टोनर जो मैं अभी फिलहाल यूज कर रही हूँ. नो डाउट ये टोनर भी बहुत अच्छा है, बट ये टोनर और जो मैं बायोटिक का टोनर यूज करती हूँ दोनों टक्कर के हैं, लेकिन इसका जो रेट है वो ऑलमोस्ट डबल है बायोटिक वाले से. सो मैं आपको बोलूंगी कि आप बायोटिक वाला ही लीजिए और ये भी बहुत अच्छा है. और ये दोनों टोनर जो है ये पिंपल एक्ने के लिए भी बहुत अच्छा वर्क करते हैं. ये जो है ये पिंपल एक्ने वाले स्किन के लिए बेस्ट है बिकॉज ये ग्रीन टी वाला टोनर है. सो ये भी अच्छा है, लिंक्स आप चेक करिएगा, हो सकता है इसमें भी आपको अच्छी खासी डिस्काउंट मिल जाए. अब हम बात करते हैं सीरम की. अभी तक के हमने जो बातें की वो थी उनमें आप एंटी एजिंग उतना नहीं भी देखेंगे तो चलता है, लेकिन सीरम में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अगर हमारी एज 28 प्लस है तो हम एक एंटी एजिंग सीरम लें, क्योंकि सीरम का फॉर्मूला ऐसा होता है कि वो स्किन के अंदर डीपली जाता है और अच्छे से वर्क करता है. तो इसलिए सीरम आपका एंटी एजिंग होना जरूरी है अगर आपकी एज 28 प्लस है तो. फिलहाल मेरे सामने रखा हुआ है गुड वाइब्स का ये विटामिन सी विटामिन ई एंटी एजिंग सीरम. ये मैं यूज कर रही हूँ आई थिंक 20 डेज हो गए होंगे और टू बी फ्रैंक मुझे ये सीरम अच्छा लगा. इनिशियली मुझे बहुत ज्यादा ऑयली सा फील होता था क्योंकि गर्मी है शायद इसलिए, लेकिन चिपचिपापन कभी भी फील नहीं हुआ, वो एक हल्का सा ऑयली सा टेक्सचर लगता था. बट धीरे धीरे जब मेरी स्किन यूज टू हो गई इसकी तो ये मुझे बहुत पसंद आने लग गया. तो मैं ऑलमोस्ट 20 डेज मैंने आपको शायद बताया था जब मैंने यूज करना स्टार्ट किया था. तो बहुत अफोर्डेबल है, 200 की रेंज में है, ये आप ले सकते हैं, एंटी एजिंग सीरम है. इसके अलावा ओले का सीरम बहुत अच्छा होता है एंटी एजिंग के लिए. एक चीज मैं आपको बता दूं, ओले के प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो बहुत अच्छे हैं एंटी एजिंग के लिए. मुझे मैंने ओले की एक क्रीम का रिव्यू किया हुआ है, मुझे कुछ लोग आके कमेंट करते हैं उस वीडियो में कि ये क्रीम कभी मत खरीदना, बिल्कुल बकवास है. हो सकता है उनके स्किन पे वो वर्क नहीं की होगी, मैं ये नहीं बोल रही कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज हर किसी के ऊपर वर्क करे. कोई चीज जो मेरे ऊपर वर्क की है वो हो सकता है आपके ऊपर वर्क ना करे, जो आपके ऊपर वर्क की है वो हो सकता है मेरे ऊपर वर्क ना करे. तो ओले का जो सीरम है वो भी बहुत अच्छा है, जो एंटी एजिंग सीरम है वो. एंड VLCC का भी एक सीरम आता है स्निग्धा सीरम, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो एंटी एजिंग के लिए परफेक्ट नहीं है. नॉर्मल जैसे अगर आप अर्ली 20s में है तो आप वो यूज कर सकते हैं सिरम, जो VLCC का स्निग्धा सिरम है, 400 के रेंज में आता है वो. सो वो भी अच्छा है बट उसमें उतने अच्छे वो एंटी एजिंग वाले गुण मुझे नहीं दिखे. और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि सिरम अपने स्किन केयर में इंक्लूड करना मस्ट नहीं है. अगर आपकी एज 30 प्लस हो गई है, 28 प्लस हो गई है और आप अपने स्किन को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं तो आप सिरम यूज करिए, अदरवाइज अर्ली 20s और जो टीनेज होती है उसमें आपको सीरम यूज करने की जरूरत नहीं है. आप नॉर्मल टोनर के बाद में मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है स्किन को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है तब आप सीरम यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं. सो मेरे सजेशंस थे ये तीन, सबके लिंक्स आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लीजिएगा, हो सकता है आज कुछ अच्छा ऑफर मिल जाए आपको. अब बात करते हैं हम डे क्रीम की. सो डे क्रीम बेसिकली क्या होती है? डे क्रीम वो होती है जिसमें कि आपको SPF हो और आपको अलग से सनस्क्रीन ना लगाना पड़े. मेरे अकॉर्डिंग डे क्रीम यही होती है और मैं ऐसी ही डे क्रीम प्रेफर करती हूँ, नहीं तो मैं नाइट क्रीम भी दिन में लगा लूँ अगर मुझे उसके ऊपर से SPF लगाना ही है, बाहर जाना ही है तो. तो सबसे पहली जो मैं डे क्रीम बोलूंगी वो है ओले नेचुरल वाइट. मैं ओले की फैन हूँ बिकॉज मुझे सूट हुआ है और मेरी सिस्टर को सूट हुआ है ओले, तो मैं ओले को हमेशा इंक्लूड रखूंगी अपने फेवरेट्स में. सो सबसे पहला ओले नेचुरल वाइट, जब मेरी शादी नहीं हुई थी 22 इयर्स की थी मैं, 23 इयर्स की थी, तब मैं सिर्फ ओले यूज करती थी नेचुरल वाइट. उससे स्किन बहुत अच्छी होती है, मुझे सब अप्रिशिएट करते थे कि तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ग्लो कर रही है, कोई दाग नहीं दिखते थे नेचुरल वाइट जो है वो. देन सेकेंड क्रीम मैं आपको बोलूंगी लैक्मे परफेक्ट रेडियंस. लैक्मे परफेक्ट रेडियंस जब मैं कॉलेज जाती थी तब मैं लगाती थी, वो भी बहुत अच्छी होती है, उसमें भी SPF होता है. और जो मैंने नेचुरल वाइट बताया ओले नेचुरल वाइट, उसमें भी SPF होता है, वो भी एक बहुत अच्छी क्रीम है. और ये
कोई भी एज वाला बंदा यूज कर सकता है ये दोनों क्रीम्स, डे क्रीम्स, ठीक है। इसके बाद अगर हम टीन एज की बात करें, और ऑयली स्किन वाले बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, दैट्स व्हाई मैं आपको बता रही हूँ। ये क्रीम्स जो मैंने बताई ये ऑयली स्किन वाले हंसते हंसते यूज कर सकते हैं। देन अब बात करते हैं एंटी एजिंग डे क्रीम की, तो एंटी एजिंग डे क्रीम में सबसे बेस्ट है ओले 7-in-1, बहुत अच्छी है। उसमें SPF भी मिल जाता है आपको, 25 होता है किस। मैंने मेरी सिस्टर, मुझे तो खैर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं रही टचवुड, बट मेरी सिस्टर की आफ्टर डिलीवरी पिगमेंटेशन के इश्यूज आ गए थे, तो उसे मैंने बोला कि एक बार ये ट्राई करके देखो ओले 7-in-1, जो ओले 7-in-1 ही आई थिंक, यस। सो उसकी पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम थी ना वो 2 months में कम्प्लीटली ठीक हो गई, आफ्टर प्रेगनेंसी वाली जो पिगमेंटेशन होती है वो। तो मेरे सिस्टर के लिए वो वर्क किया, मेरे लिए भी उसके प्रोडक्ट्स वर्क करते थे, तो इसलिए मैं आपको बोलूंगी डे क्रीम एक अच्छी एंटी एजिंग डे क्रीम में आपको इन्वेस्ट करना है तो आप ओले की डे क्रीम ले सकते हैं। इसके अलावा सेंट बॉटनिका की भी जो डे क्रीम है वो अच्छी होती है, मैंने खुद भी पर्सनली यूज की है, ऑयली स्किन के लिए अच्छी होती है, डिसेंट होती है, दाग धब्बे भी कई हद तक के हटाती है, लेकिन सबसे अच्छे से ओले की ही हटाती है। इसके बाद में मैंने वाओ की भी एंटी एजिंग क्रीम ट्राई की है, तो आप वाओ की भी ट्राई कर सकते हैं, बट जितनी अच्छी मुझे ओले लगी उतनी अच्छी मुझे वाओ नहीं लगी। तो ये थी बात डे क्रीम की। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट क्रीम, उसकी हम बात कर लें। मेरे सामने फिलहाल 2 नाइट क्रीम्स रखी हुई है। पहली है ये प्लम की नाइट जेल, जो कि ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी है और ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। आई थिंक इसमें इसका प्राइस नहीं लिखा है, बट ये ज्यादा कॉस्टली नहीं है, अच्छी है ऑयली स्किन के लिए, बहुत अच्छी है। सेकंड, ये प्लम का मॉइस्चराइजर, इसमें एक्चुअली SPF नहीं है, तो इसे आप एज नाइट क्रीम भी यूज कर सकते हैं, मैं करती हूँ क्योंकि। सो ये जो प्लम का मॉइस्चराइजर है इसे भी आप एज नाइट क्रीम यूज कर सकते हैं, इसे भी यूज करने से आपको पिंपल एक्ने वगैरह नहीं होगा। देन इसके बाद में लैक्मे का भी एक एलोवेरा जेल आता है, एलोवेरा जेल ही बोलते हैं, लैक्मे नाइट जेल आता है, वो भी बहुत अच्छी नाइट क्रीम है फॉर ऑयली स्किन, बट ये सारी एंटी एजिंग नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं एंटी एजिंग नाइट क्रीम्स के बारे में। तो जो एंटी एजिंग नाइट क्रीम, बेस्ट नाइट क्रीम है एंटी एजिंग की, वो है ओले की अगेन। देन सेकेंड जो है वो है वाओ की। देन थर्ड जो है वो है शहनाज हुसैन की। शहनाज हुसैन की एंटी एजिंग क्रीम बहुत अच्छी है। ये 3 एंटी एजिंग क्रीम को मैं बोलूंगी, और इसके अलावा एक और ग्रीन बेरी की ऑर्गेनिक, मुझे एग्जैक्टली नेम याद नहीं आ रहा, मैंने अभी थोड़े दिन पहले यूज की थी, वो बहुत अच्छी नाइट क्रीम है। और एक फिफ्थ वन और है बट उसका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी, त्वक, क्योंकि वो अब मिलती नहीं है, गई वो मुझे बहुत पसंद आई थी, तो आपकी नाइट क्रीम मुझे कहीं नहीं मिलती वो, और जहाँ मिलती भी है मैं श्योर नहीं हूँ वो ओरिजिनल है कि नहीं है। सो ये थी नाइट क्रीम्स। मैं अब थोड़ा वीडियो जल्दी जल्दी बनाने वाली हूँ क्योंकि बहुत लॉन्ग हो गया, 20 मिनट का हो जाएगा ये वीडियो। सो बस इतने प्रोडक्ट्स थे, मैं सबके लिंक्स दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक जरूर करिएगा। जितनी भी मेजर चीजें थी स्किन केयर के लिए वो मैंने आपको बता दी, और मैंने कोशिश की है कि मैं अफोर्डेबल चीजें ही बताऊँ। अब बात कर लेते हैं हम मेरे फेवरेट मेकअप की, और सारा मेरे सामने अभी नहीं रखा है क्योंकि एक एक चीज निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, तो मैं पिक्चर्स इंसर्ट कर दूंगी। शुरुआत करते हैं मेकअप में प्राइमर से। तो प्राइमर मुझे कलरबार का बहुत अच्छा लगता है, फर्स्टली ये बहुत अफोर्डेबल है, आई थिंक 400 की रेंज में मिल जाएगा आपको, 500 इसकी प्रिंट रेट है, बट श्योर हूँ कि आज ये 400 की रेंज में मिल रहा होगा क्योंकि डिस्काउंट है, अच्छा आज सेल है मेकअप सेल। सो ये है प्राइमर जो कि मुझे बहुत पसंद है, ऑयली स्किन वालों के लिए ये बहुत अच्छा है। देन बात करते हैं मेकअप बेस की। मेकअप बेस में मेरी अभी फिलहाल फेवरेट चल रही है SPU की बीबी क्रीम। रीजन मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि इसको लगाने के बाद जब मुझे स्वेटिंग आती है तो और फेस ग्लो करता है, तो इसलिए मुझे ये अच्छी लगती है, लिंक्स मैं आपको दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देन CC क्रीम मुझे लैक्मे की अच्छी लगती है, पहले मुझे इसके इफेक्ट्स उतने अच्छे नहीं लगे थे जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम रिव्यू किया था, बट अभी रिसेंटली मैंने इसे यूज करना स्टार्ट किया, बहुत ज्यादा शाइन देती है ये स्किन में, ऐसा लगता है कि बहुत हाई कवरेज दे रही है ये, बट वो हाई कवरेज रहता नहीं है। सो ये भी मुझे अच्छी लगी, लाइक नॉर्मल सा शेयर सा कवरेज चाहिए तो उसके लिए ये अच्छी है।
और फाउंडेशन में मेरा फेवरेट यही है मेबेलिन फिट मी, और एंटी एजिंग के लिए भी ये बहुत ही अच्छी है जो मेबेलिन फिट मी है, क्योंकि ये पोर्स और जो रिंकल्स होते हैं ना उन्हें बहुत अच्छे से कवर करती है। सो एंटी एजिंग का अगर आपकी मतलब एज 30 प्लस है और बहुत रिंकल्स हैं आपको, तो आप मेबेलिन फिट मी ट्राई करें। बहुत अफोर्डेबल है, 400 के रेंज में रहता है, और अगर अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है तो 300 के रेंज में मिल जाता है। सो ये मेरा फेवरेट है, इसको अभी तक के कोई भी नहीं हटा पाया मेरी फेवरेट लिस्ट से। अब बात कर लेते हैं काजल की, तो काजल मेरे हाथों में ये दो काजल है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट है प्लम का काजल जो 400 की रेंज में आता है, बहुत अच्छा है, स्मज फ्री है, बहुत ही खूबसूरती से चलता है, डार्क ब्लैक है, इसमें तीन शेड्स आते हैं ब्लैक ब्राउन एंड ब्लू, सो मेरे पास तीनों है। सो प्लम का काजल बहुत अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हैं। एंड उसके बाद में पर्पल का काजल, पर्पल के काजल बहुत हद तक के प्लम के काजल को टक्कर देता है, और रेट इसका ऑलमोस्ट हाफ है। प्लम 400 के रेंज में है और ये 200 के रेंज में है, सो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा, बिल्कुल नहीं पछताएंगे आप पर्पल का काजल लेकर के, अच्छा है। अब अगर कॉम्पैक्ट की बात करें तो कॉम्पैक्ट में मेरा अभी फेवरेट चल रहा है ये SQ का जो ट्रांसल्यूसेंट पाउडर है ये, इसके अलावा लैक्मे का जो रोज पाउडर है वो भी बहुत ही अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हैं। एंड लॉरियल का मैट मजिक भी बहुत ही ज्यादा अच्छा कॉम्पैक्ट। कंसीलर वगैरह मैं उतना ज्यादा नहीं लगाती हूँ, बट फिलहाल मैंने ये रिसीव किया था कुछ दिनों पहले आई एम्स्टरडम का कंसीलर, एंड टू बी फ्रैंक ये बहुत अच्छा है ऑयली स्किन के लिए, बहुत अच्छे से ये बिल्कुल ब्लेंड हो जाता है, और कहीं से भी क्रीज लाइन कहीं से भी लाइंस नहीं दिखती हैं, अनइवन नहीं दिखता है, बहुत ही अच्छा कवरेज देता है ये जो आई एम्स्टरडम का कंसीलर है ये। इसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक जरूर करिएगा। अब इसके बाद में अगर हम लाइनर मस्कारा की बात करें तो फेसेस के लाइनर्स और मस्कारा बहुत अच्छे होते हैं, मैं फिलहाल वो ही ट्राई कर रही हूँ, तो उनकी भी लिंक्स आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और फिर लिपस्टिक्स वगैरह तो मैं इतनी सारी यूज करती रहती हूँ, शेयर करती रहती हूँ, तो इस वीडियो में अभी मैं लिपस्टिक नहीं इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। मैं एक आध शेड जो मेरे बहुत फेवरेट है उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड एट लास्ट मेकअप रिमूवर, ये बेस्ट है फॉर ऑयली स्किन, जो कि है गार्नियर का मिसलेयर वाटर, ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है नो डाउट। आप ऑयल का यूज भी कर सकते हैं मेकअप हटाने के लिए, बट अभी गर्मियों में नहीं, सो आपकी एज जो भी हो आप गार्नियर का मिसलेयर वाटर यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत अफोर्डेबल है, 100 के रेंज में, 175 के आसपास में इसका प्रिंट रेट है, और आपको आज अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है इस पे, तो चेक जरूर करिएगा। सो ये थे सारे प्रोडक्ट्स जो कि मैं आज शेयर करना चाहती थी आपके साथ में, सारे मेरे सामने अभी नहीं रखे हैं, बहुत सी चीजें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई मेरे पास है ऑलरेडी घर में, बट वो ढूंढना पड़ता और अभी इतनी रात में मेरी बिल्कुल भी मर्जी नहीं थी कि मैं ढूंढूं, सो इसलिए मैं इमेजेस इंसर्ट कर दूंगी तो आप देखिएगा। सो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर देना, और अगर फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लिंक्स जरूर चेक करें, और कोई भी दूसरा डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी रिप्लाई करने की। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।